कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, नीरज नैयर जिंदाबाद, नीरज नैयर जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नीरज भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है, मानसिंह भाई क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है चक्कर में। नीर भाई के वास्ते खाली कर दो रास्ते, नीर भाई के वास्ते खाली कर दो रास्ते। नीर भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नीर भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नीर भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीर भाई जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी। युवाओं का नेता कैसा हो, नीरज भाई जैसा हो। गांव का नेता कैसा हो, नीरज भाई जैसा हो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, श्री नीरज नैयर जिंदाबाद। गांव का भाई जैसा हो, युवाओं का नेता कैसा हो, नीरज भाई जैसा हो। गांव शहर से आई आवाज, नीरज भाई अब की बात। नीरज भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीरज भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। युवाओं का नेता कैसा हो, नीरज भाई जैसा हो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। हेलो, कौन बोल रास्ते, नीरज भाई के पास थे खाली कर दो रास्ते। नीरज नैयर तुम आगे बढ़ो, हम तुम We'll be right back.
Thank you.
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
खुश है, नागदेव तो खुश है, छौकी होला बुझल नाग। सभी पंचायत वासियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ओम ठाकुर है और मैं वर्तमान समय में NSCI चंबा से जिला अध्यक्ष हूँ। आज हमारे बीच माननीय श्री नीरज नैयर जी, कांग्रेस पार्टी के जिला चंबा के कांग्रेस पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष भी हैं और कांग्रेस पार्टी से हमारे प्रत्याशी भी हैं। तो आज ये हमारी ग्राम पंचायत अठलुई में डोर टू डोर गए, उसके बाद यहाँ पर जो है वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद तो मैं उनका यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों के पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, उप प्रधान, BDC मेंबर, जितने भी हमारे साथी हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को मालूम ही है कि आने वाले समय में अगले महीने हमारे विधानसभा क्षेत्र चंबा के साथ साथ पूरे हिमाचल प्रदेश का चुनाव है। अठलुई में जो हमारे प्रत्याशी आए हुए हैं और ग्रामीण जो हमारे स्थायी निवासी है, उनकी एक ही डिमांड है कि पिछले 15 वर्ष 2005 में जो यहाँ पर काम शुरू हुआ था हमारी सड़क का, वो आज तक पेंडिंग है। 0 पॉइंट से 1.5 किलोमीटर रोड आज तक बनी है। पूर्व में 15 वर्ष यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक रहे हैं, उन्होंने हमारी पंचायत की जो है वो अनदेखी की है। इससे कोई ये छुपाने वाली बात नहीं है। समय समय पर हमने ज्ञापन के माध्यम से, धरने के माध्यम से उन्हें अवगत भी करवाया प्रशासन को, परंतु हमारी जो बात है वो नहीं सुनी गई। तो इस बात रहती है, हर बार यहाँ से जो है कांग्रेस पार्टी को लीड जाती है। इसका जो सर्टिफिकेट हमें मिला है वो ये मिला है कि हमें सड़क से दूर रखा गया है, परंतु इस बार मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि श्री नीरज नैयर जी को जब हम जिताकर विधानसभा भेजेंगे तो हमारी जो सड़क का अधूरा काम पड़ा है वो बहुत जल्द 1 साल के अंदर अंदर उसको हम गांव तक पहुंचा देंगे। और नीरज नैयर जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, नीरज भाई तुम आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। थोड़े बहुत भाजपा को वोट पड़ते हैं, उनका सफाया करना है, एक तरफा लीड देनी है, ताकि आगे जो है वो हमारा सड़क का काम जो है वो हर पंचायत से, हर क्षेत्र से सबसे पहले यहाँ शुरू हो। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे ज़्यादा लीड जो है वो अभी चला हुआ है। अभी भी हमारे गांव के जो है वो इधर ही सामने ऊपर कई हमारे साथी गए हुए हैं अपने काम। हमें नहीं करनी है, हमें चुनाव नहीं लगना है, सिर्फ एक काम है। अगर वो काम हमारा हो जाता है तब तो बहुत बढ़िया है, अगर किन्हीं कारणवश अगर सर नहीं होता है तो अगले से मैं जिला अध्यक्ष जब बना उसके बाद लगातार हम इनके साथ काम कर रहे हैं। उसके पूर्व भी हमारे कई साथी इनसे रूबरू हैं और इनके जो अच्छी नीयत है, अच्छी सोच है और ईमानदारी के साथ चलना सिखाया इन्होंने हमें,
कि राजनीति में भी ईमानदारी से काम किया जा सकता है, ये हमें श्री नीरज नैयर जी ने बताया है। श्री नीरज नैयर, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि पूरे देश में इनके जैसा ईमानदार नेता मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी विधानसभा क्षेत्र में होगा। तो ये बात हम नहीं कह रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग भी कह रहे हैं, और कई हमारे ऐसे युवा हैं, वो उनका मानना और कहना ये है कि हम कांग्रेस पार्टी को देख के भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उनका मानना ये है कि हमें कांग्रेस पार्टी से कुछ लेना देना नहीं, तो अच्छी बात है जो अपनी विचारधारा को छोड़कर इनका साथ देना चाहते हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ, अभी भी यहाँ से काफ़ी दूर हमें जाना है, समय का भी अभाव है, तो मैं यहाँ पर श्री नीरज नैयर जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो दो शब्द बोले। नीरज नैयर, कीड़ी पंचायत से आए हुए हमारे प्रधान, हमारे उप प्रधान, हमारे वार्ड मेंबर्स, हमारे एक्स वार्ड मेंबर्स और मेरे युवा साथी, मेरे बुजुर्ग जो आज यहाँ सारे मेरे साथ, नीचे से पैदल जो मेरे साथ यहाँ ऊपर सम्मेलन तक यहाँ आए हैं, और इस खूबसूरत जगह में आज मुझे आपके बीच में आने का ये मेरे ख्याल कोई चौथी या पांचवी बार जो है मुझे मौका मिला, और जब मैं पिछली बार आया था तो यहाँ नीचे कुछ घरों में आग लगी थी। अंकुर अंकु जो है इनके घरों में गया था और मेरे ख्याल काफ़ी घरों को नुकसान हुआ था, तो उस टाइम में मैं आया था, आग लगी थी उस टाइम में। मुझे पता नहीं था कि मैंने इलेक्शन उलेक्शन लड़नी है, पर चलो मैं हमेशा समाज सेवा के साथ पुराने टाइम से जुड़ा रहा, वोट के लिए मैंने राजनीति कभी की नहीं, और अब क्योंकि अब राजनीति के अंदर आ गया हूँ तो अब आप लोगों से बस यही हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि इस बार जो है माहौल जो है बहुत अच्छा है, और कांग्रेस की सरकार जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर 100 या 120% जो है कांग्रेस के अंदर जो है हिमाचल के अंदर जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी, और मैं आपको बोलना चाहूँगा ये जो यज्ञ है इसके अंदर चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग जो हैं वो भी अपनी आहुति जो है वो डालें। ये इलेक्शन भी एक यज्ञ होता है 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद ये दोबारा इलेक्शन आ रही है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि इस बार जो है आप यहाँ से कांग्रेस के विधायक को जो है यहाँ से विधायक बनने का मौका दो। और मैं एक चीज़ आपको और बोलना चाहूँगा कि अगर 15 साल अब जैसे मेरे को यहाँ 8वीं पंचायत में बोला जा रहा है कि सड़क की डिमांड थी और सड़क बनी नहीं, तो जो मेरे यहाँ भाजपा के अगर साथ भाजपा का ही विधायक है, खैर आपके लिए 10 साल से होगा क्योंकि ये इलाका पहले भरमौरी जी के साथ जुड़ा हुआ था, अगर भरमौरी जी के साथ रहता तो आज तक यहाँ सड़क पहुँच गई, लेकिन क्योंकि क्या था कि पिछली बारी भरमौरी जी मंत्री बन भी गए। नीर भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नीर भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। नीर भाई बल्ले बल्ले, बाकी सारे थले थले। नीर भाई बल्ले बल्ले, बाकी सारे थले थले। मेरा ऐसा मानना है कि क्योंकि 15 साल से लगातार टाइम में जो है बहुत विकास जो है चंबा के अंदर हुआ, और उसके बाद कुछ सूखा जैसा पड़ गया, क्योंकि यहाँ 10 साल से और चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो पुराने इलाके हैं 15 साल से जो है कांग्रेस का विधायक आया ही नहीं। भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ था और चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस को 15 साल का हो गया। तब मैं बोलना चाहता सारे मेरे साथियों, इस बारी जरा है इस वनवास को तुसी तोड़ो। साथ में मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मैं कभी राजनीति में बीजेपी कांग्रेस नहीं करता हूँ, ठीक है। बीजेपी कांग्रेस उस जगह में होती है जहाँ कोई बड़े काम और बड़े झगड़े की बात होती है,
आम जो काम है, जैसे किसी को घर सेंक्शन होना है, किसी को बिजली लगनी है, किसी को लाइट लगनी है, सड़क बननी है, आवाज दो, आवाज दो नीरज जी, एक बार नीरज जी, बार बार नीरज जी। मैं आप लोगों से बस ये विनती करना चाहता हूँ कि एक बार मुझे मौका दो। मुझे नहीं पता कि मैं कितना कामयाब होऊंगा जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी सोच बहुत अच्छी है और मैंने सरकार ना होते हुए भी बड़े अच्छे काम करवाए हैं, चाहे वो सड़कों के थे, चाहे कोई और काम थे, और बिना भेदभाव के कराए हैं। मैंने तो ये भी नहीं पूछा कभी कि तू भरमौर का है, तू चुरा का है, तू चंबा का है। अगर मेरे फोन से किसी का काम बन जाए तो मैं इसको अपना वहाँ करनी भी पड़ती है, लेकिन आम सुविधा के जो काम होते हैं, बीजेपी सड़क कोई कांग्रेस वालों के लिए थोड़ी बनेगी, उसमें बीजेपी वाले भी चलेंगे। लाइट ट्रांसफार्मर कोई कांग्रेस वालों को थोड़ी लाइट मिलेगी, बीजेपी वालों को भी मिलेगी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਤਾਂ ਆ ਤੇ 1500 ਦੀ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਣਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਏ ਨੂੰ ਆ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਫੂਲ ਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ
Thank you.
सबसे पहले कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 स्वागत जी स्वागत। सबसे पहले तो मैं राजेंद्र जी का कांग्रेस, ये वैसे कांग्रेस ही थे, पिछली बार कुछ नाराजगी हुई, ये पक्के कांग्रेस ही थे, पिछली बार कोई नाराजगी हुई और ये कांग्रेस छोड़ के चले गए और अब भाजपा की जो कुनीतियां हैं वो देखते हुए जो है ये अपने घर में वापस जो है घर में अपनी वापसी कर रहे हैं और मैं इनको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो ये कदम उठा रहे हैं ये कोई घाटे का सौदा नहीं रहेगा, ये बहुत अच्छा फैसला है और जो पीछे 5 साल में जो कांग्रेस के टाइम में जो गलतियाँ हुई हैं उसको जो है हम पूरे तरीके से सुधारेंगे और एक स्पष्ट तरीके से जो है काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत बधाई घर वापसी के लिए, घर वापसी। स्वागत है जी, स्वागत है। हमारे डिपो होल्डर है यहाँ से और पूर्व में इनकी जो मिसेज है वो वार्ड मेंबर भी रही हैं हलेला वार्ड से और मैं भी इनका कांग्रेस में आने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और ये बहुत पुराने से भाजपा से जुड़े हुए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये भाजपा से बहुत पुराने जुड़े हुए कार्यकर्ता है जी, आपके और रजिंदर जी के घर वापसी है क्योंकि भाजपा से आ रहे हैं, इससे जो है पंचायत में जो है हमें बहुत मन मिलेगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पार्टी बाजी की पॉलिटिक्स से उठ के जो है मैं कार्य करता हूँ और नीर भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नीर भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी आपके काम होंगे और जो भाजपा से कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं हम कोई तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करेंगे, जो आए हैं उनको जो उनका ड्यू है मान सम्मान। दत्तो राम जी का भाजपा से कांग्रेस में आने पर बहुत बहुत जो है स्वागत करता हूँ और दत्तो राम जी की जैसा मुझे बताया गया है बहुत पुराने टाइम से जो है भाजपा से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और इन्होंने भाजपा के लिए जो है 40 साल जो है भाजपा के लिए समर्पित किए हैं और जुड़ रहे हैं और मैं इनका कांग्रेस परिवार में आने पर जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपने कोई भी आपको काम हो आपको किसी के थ्रू आने की जरूरत नहीं है, मेरा घर एक बार आके देख जाएं, मेरा फोन नंबर नोट कर लें, बस आने से पहले फोन कर लेना मैं घर में हूँ कि नहीं हूँ और बाकी जो भी आपको कार्य होगा आपको किसी के अंदर जो भाजपा की जो दशा और दिशा रही है उससे दुखी होकर जो है कांग्रेस परिवार नी भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नी भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नी भाई के दोस्त हैं।
वीर जी आपका जो है कांग्रेस परिवार में जुड़ने के लिए मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और जैसे कि मैंने पहले बोला है, भाजपा के जो पाँच वर्ष पिछले जो पाँच वर्ष रहे हैं बड़े निराशाजनक रहे हैं, और मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप आज कांग्रेस पार्टी में आए हैं। और मैं धारो राम जी का भी बहुत बहुत कांग्रेस एंट्री करने के लिए आने के लिए मैं स्वागत करूंगा। और जो है पिछले पाँच साल जो कार्यकाल भाजपा कर रहा है, उससे जो है ये आज कांग्रेस परिवार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आपको आपका स्वागत करता हूँ। और अमर सिंह जी भी जो है भाजपा के बड़े समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं और शिमला वार्ड से हैं, और जो भाजपा की पिछले पाँच वर्ष कुनीतियाँ रही हैं उससे जो दुखी होकर जो है आज कांग्रेस परिवार में जो है सम्मिलित हो रहे हैं, और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैं पूरी कोशिश करूँगा जो भी आपने आशाएं कांग्रेस परिवार से रखी हैं मैं उसको जो है पूर्ण करने की जो है स्वागत करता हूँ। ये टीरी पंचायत और मेरे को जैसे कि बताया गया है कि ये भाजपा के बहुत कर्मठ जो है कार्यकर्ता रहे हैं, तो मैं आपका जो है कांग्रेस परिवार में जुड़ने के लिए मैं आपका बहुत बहुत कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। और जो भी आशाएं आपने कांग्रेस परिवार से रखी हैं मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं जो आपने जो भी मेरे अंदर शक्ति है बल है मैं आपके लिए जो है पूरी कोशिश करूंगा। और आप तो किसी के साथ आने की जरूरत नहीं है, बस आपने ये बता देना कि अच्छा मैं संजीव जी का भी जो है मैं कांग्रेस परिवार में आने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, और जो भी आशाएं आपको कांग्रेस में आने पर है मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जो हर छोटे मोटे काम है आपको किसी के थ्रू आने की आपको यहाँ से वायरल हो जाएगा। आपने समय मेरे से ले लेना, आजकल इलेक्शन का समय है, मैं घर में बैठता नहीं हूँ, लेकिन एक बार इलेक्शन जब खत्म हो जाएंगे तो मैं अपना ऑफिस भी अपने घर से चलाता हूँ, ठीक है। मेरे घर के साथ ये गल है, मेरे घर से गेट से बाहर ही मैं, और चंबा में कांग्रेस को 15 साल का हो गया, तो मेरे प्योपियों इस बार इस बनवा भाई तुम आगे बढ़ो, ऐसे कर दो मैंने तो सिर्फ एक ही संदेश देना है कि पिछले जो पाँच वर्ष हैं भाजपा के, और ख़ासकर अगर मैं चंबा विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो जो भाजपा के विधायक हैं वो हर तरीके से जो है नाकामयाब रहे हैं, और झूठ के अलावा उन्होंने कोई चीज़ बोली नहीं है। और झूठ जो है 10 बार 20 बार अगर आप बोलते रहेंगे तो वो झूठ है, वो सच में तब्दील जो है नहीं होता है। और मैं हर जगह जहाँ भी जा रहा हूँ तो मुझे एक बहुत जो रोष है लोगों के बीच में भाजपा के प्रति वो नज़र आ रहा है, चाहे आप महंगाई देखो, चाहे आप बेरोज़गारी देखो, चाहे आप गैस का सिलेंडर का रेट देखो, आप चाहे कुछ भी कोई भी एरिया में देख लो, पिछले पाँच वर्ष के अंदर चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कोई खास कोई कार्य हुआ ही नहीं है।
जयराम ठाकुर जी जो हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं, वो हर जगह एक चीज़ बोलना नहीं भूलते हैं कि भाई मैं पहला ऐसा मुख्यमंत्री हूँ जो शिलान्यास भी करता हूँ और साथ ही साथ जो है उद्घाटन भी करता हूँ। मैं चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर मुझे दो तीन ऐसे काम बिल्कुल स्वयं मुझे नज़र आते हैं, जैसे चंबा हमारे पुलिस लाइन में जो है इंडोर स्टेडियम की बात कहो आप, 2.5 साल हो गए हैं और 2-3 बार जो है उसका उद्घाटन हो गया है, एक बार फॉरेस्ट मिनिस्टर कर गए, एक बार मुख्यमंत्री जी कर गए हैं और आज तक जो है उसका सिर्फ शिलान्यास हुआ है और अभी तक जो है 2.5-3 साल में उसका कार्य जो है शुरू भी नहीं हुआ है। अब चंबा की पार्किंग का ही हाल देख लो, किस कछुए की गति से चल रही है और कैसी साइट सिलेक्शन है शहर के अंदर चंबा की पार्किंग की, आप उसको देख लो। और चंबा का जो एक ब्रिज है जो सरौल को कनेक्ट करता है, ओके, मेरे ख्याल जिस दिन इलेक्शन होनी थी 5 साल पहले उस दिन वो जो है वो टूटा था और आज तक जो है 5 साल के अंदर जो है वो जो है कंप्लीट नहीं हो पाया। तो मेरा बोलने का मतलब है कि सरकार जो है पूरे तरीके से विफल है। आप चंबा के मेडिकल कॉलेज का हाल देखो, हॉस्पिटल का हाल देखो, बद से बदतर हो गया, ना कोई गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टरों की भारी कमी है और मेडिकल कॉलेज ना होके एक वो रेफरल हॉस्पिटल बन के रह गया। आए दिन मुझे रोज़ यही काम करना पड़ता है कि भाई फ़ोन करके जो है किसी को एम्बुलेंस करा के टांडा भिजवाओ, बहुत मतलब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और पहली बार मैं ऐसी चीज़ देख रहा हूँ कि जो अल्ट्रासाउंड है और ऐसी जो चीज़ें हैं उसके लिए डॉक्टर्स जो हैं 3-3, 4-4 महीने की डेटे डाल रहे हैं, ऑपरेशन के लिए भी 3-3, 4-4 महीने की डेटे डाल रहे हैं। और मुझे बड़े दुख के साथ बोलना पड़ता है कि जितने भी जो डॉक्टर हैं उन सब की पोस्टिंग जो है या तो मंडी नेरचौक मेडिकल कॉलेज में की जा रही है और या तो फिर नाहन और अन्य जो मेडिकल कॉलेजेस, 4 मेडिकल कॉलेजेस कांग्रेस ने खोले थे और उन इलाकों में की जा रही है जो सड़कों से बड़े अच्छे ढंग से लिंक्ड हैं, शिमला के भी नज़दीक हैं, चंडीगढ़ के भी नज़दीक हैं, पठानकोट के भी नज़दीक है। हमारा जो इलाका है हर तरीके से जो है बहुत दूर दराज का इलाका है। सबसे पहले तो हमारे इलाके में जो है डॉक्टर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जब हमारी सरकार थी तो पूरी जो फैकल्टी थी डॉक्टर्स की वो पूरी थी, लेकिन इतनी ज़रूर थी कि काम चलते थे। लेकिन अब जो हालात हैं वो बद से बदतर हो गए हैं, तो किस चीज़ की शाबाशी जो है ये सरकार जो अपनी पीठ किस चीज़ के लिए थपथपा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की आंधी चल रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर, हवा नहीं आंधी। कल की आपने जो नॉमिनेशन पेपर जो मैंने फाइल किए थे आपको उससे ही अंदाज हो गया होगा कि किस तरीके से जो है आंधी चल रही है और इस आंधी के आगे अब कुछ भी जो है टिकने वाला नहीं है। जो इस आंधी के सामने आएगा वो नष्ट नाबूद जो है वो हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। लोगों ने जो है अपना मन बना लिया है और अगली सरकार जो है और अब जो आने वाला जो समय है बीजेपी जो है विधानसभा क्षेत्र के अंदर डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पाएगी, मेरा ऐसा मानना है। जिस तरीके की आंधी चली हुई है डबल डिजिट तक नहीं, क्योंकि हर चीज़ के अंदर विफल है। महंगाई इतनी, राशन का आप डिपो का रेट है और मार्केट का रेट है वो बराबर ही हो गया, फिर डिपो में क्या करना राशन लेके। जब राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार होती थी तो 250 करोड़ 300 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती थी डिपो के अंदर, तब डिपो में राशन जो है वो सस्ता होता था। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इस बार कांग्रेस सरकार ने 10 गारंटियाँ घोषित की हैं। सबसे पहली गारंटी ये है, अगर कोई यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, खैर अभी इस मीटिंग में तो होगा नहीं, पर अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ओल्ड पेंशन स्कीम OPS जो है कांग्रेस, हाँ पुरानी पेंशन जो है, जैसे ही कांग्रेस सरकार आएगी पहली कैबिनेट के अंदर जो पहला फैसला होगा वो ये होगा कि OPS को जो है वो लागू किया जाएगा। ये कांग्रेस का पहली गारंटी है। कांग्रेस की जो दूसरी गारंटी है वो ये है कि हर महिला जो 18 साल से 60 साल की उम्र की है और जिसको कोई और सरकारी नौकरी नहीं लगी है या कोई और किसी किस्म की पेंशन नहीं लगी है, तो चाहे एक घर के अंदर एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो,
1500 रुपये प्रति माह जो है वो दिया जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी की जो है दूसरी बड़ी गारंटी है। और इसके जो फॉर्म है, इसकी जो फॉर्म है मैं यहाँ छोड़ के जाऊँगा, इसको भरो और एक टेलीफोन नंबर है उसके अंदर मिस कॉल मारो, ताकि आप पर उसको सीरियसली करो। मैं बोलता हूँ चाहे 5 लेडीज को ही लगे एक वार्ड के अंदर, पर लगेगी तो लगेगी, ठीक है ना, क्योंकि इसका पूरा वो चेक करेंगे कि भाई पूरा इसका तरीका है करने का। तो आप ज़रूर इसके अंदर अपनी इनरोलमेंट करो। और तीसरी चीज़ ये है कि कांग्रेस सरकार ने बोला है कि 5 लाख युवाओं को जो है वो रोज़गार देंगे, यानी कि 5 लाख नौकरियां 5 साल के अंदर निकाली जाएंगी। और जो सरकारी नौकरियों में खाली पड़े पद हैं उनको जो है भरा जाएगा। आउटसोर्स के लिए सरकार, कांग्रेस जो है लीडरशिप है, उन्होंने बोला है कि आउटसोर्स को जो है ठेकेदारों से जो है मुक्त किया जाएगा और डायरेक्टली जो है सरकार के अंडर जो है उसकी जो है नौकरी की जाएगी। उससे क्या होगा, जब सरकार जब नौकरी करेगी तो फिर जो बच्चे लगेंगे उनको निकाला नहीं जा सकता। वरना क्या होता है, जब सरकार बदलेगी तो जो है वो बीजेपी वाले कांग्रेस को निकाल देते हैं, कौन जो है हल निकलेगा। और साथ ही में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने 680 करोड़ रुपया 10 करोड़ रुपया पर विधानसभा क्षेत्र जो है, 68 विधानसभा हैं हमारे यहाँ क्षेत्र हैं, और 680 करोड़ रुपया 10 करोड़ रुपया पर विधानसभा क्षेत्र जो है एक स्टार्टअप फंड जो है पर कॉन्स्टिट्यूएंसी 10 करोड़ रुपया दिया है, जिसके अंदर हमारे जो युवा हैं, जो बेरोज़गार हैं, जो अपना कोई काम करना चाहते हैं, चाहे कोई साइकिल की पंचर की दुकान खोलना चाहता है या कोई गाड़ियों की टायर की कोई ढाबा खोलना चाहता है, कोई मिस्त्री है कारपेंटरी का काम करना चाहता है, उसके लिए आजकल मशीनें चली हुई हैं वो खरीदना चाहता है, तो ऐसे लोगों को इंटरेस्ट फ्री लोन यानी कि बिना ब्याज के जो है लोन जो है वो बैंक द्वारा मुहैया कराया जाएगा। और बिना ब्याज के वो होगा, आपको पता है लोग आजकल कितना ब्याज लेते हैं, प्राइवेट अगर आप पैसे किससे पकड़ो तो 2-2, 3-3, 4-4% महीने का भी लेते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप, ये आपको अगर 1 लाख रुपया मिलेगा तो आपको 1 लाख ही वापस करना है 5 साल बाद, जब जितना भी उसका टाइम पीरियड होगा उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ी स्कीम है हमारे युवाओं के लिए, ताकि जो हमारे बेरोजगार जो हमारे साथी हैं उनके लिए हम कुछ ना कुछ जो है कर सकें। ये मेरी स्कीम नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की स्कीम है, और ये कांग्रेस पार्टी की एक यूनिट बिजली, हाँ 300 यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त में दी जाएगी, ठीक है। जिसका 300 यूनिट तक का जो बिल है वो मतलब जो है फ्री में किया जाएगा। और बाकी जो है 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे, बाकी मैं बड़ा लंबा बोलूँगा नहीं, क्योंकि वो जो है आप पढ़ के आप देख सकते हो, जो महत्वपूर्ण 4-5 जो है वो मैंने आपको जो है बता दी है। बाकी बाकी ऐसा है कि आप रिकॉर्डिंग करो बंद।